जैसा कि भाई आप सभी को मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि होंडा अपनी बाइकों को धीरे धीरे रिलॉन्च कर रहा है, जो कि बीच में आना बंद हो गई थी। तो यहाँ पर आज आपके लिए एक फिर से एक नई, या आप कह सकते पुरानी बाइक ले गया, यानी होंडा की न्यू यूनिकॉर्न 160 E20 वाले वेरियंट के अंदर आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो लास्ट में प्राइस वगैरह बताएंगे, सबसे पहले देख लेते हैं इसका एक बार डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू। होंडा का लोगो यहाँ पर आपको दे रखा है ब्लैक कलर के अंदर, यहाँ पर आपको पूरा अपना वाइजर दे रखा है जिसके ऊपर आपको काफ़ी शानदार सी क्रोम की फिनिश मिल जाती है। हेलोजन सेटअप ही पूरा रहने वाला है, अपना प्रॉपर लो बीम हाई बीम वगैरह सारी चीज़ें आपको हेलोजन में मिलती है, एंड यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स वगैरह भी दे रखे हैं। तो बात करते हैं अगर इसके सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेस्ट रहने वाले हैं। ये गाड़ी आराम से जो है बजाज की पल्सर 150 को बीट करती है, वो कैसे वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको 18 इंचेस के टायर्स दे रखे हैं, 80x100 18 इंचेस के। यहाँ पर आपको ABS सिस्टम मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। निफिन के यहाँ पर आपको होंडा कैलिपर्स इस बाइक के अंदर प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल की, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक एनालॉग यहाँ पर आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल मीटर यहाँ पर आपको दे रखा है, एंड RPM मीटर भी इस बाइक के अंदर आपको अलग ही दे रखा है। तो यहाँ पर आपको डुअल की का सेटअप मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर आपको इग्निशन ऑन होता है अपना, ये अपना स्पीडोमीटर रहने वाला है, ये अपना RPM मीटर रहने वाला है, ये अपना फ्यूल मीटर रहने वाला है, बाकी न्यूट्रल लाइटिंग है, इंडिकेटर लाइटिंग है, एंड यहाँ पर अपनी ABS की लाइटिंग रहने वाली है। यहाँ पर एक बटन दे रखा है जिससे आप अपने ट्रिप मीटर को वापस जीरो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किल स्विच मिल जाता है, काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। नीचे आपको सेल्फ का ऑप्शन दे रखा है, इस साइड आपको लाइटिंग के कंट्रोल्स एंड हॉर्न के कंट्रोल्स दे रखे हैं, जैसा कि सभी बाइकों में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अगर बात करूँ उसके अपने हैंडल वगैरह की, तो काफ़ी ज़्यादा क्रोम एंड काफ़ी ज़्यादा क्लासी से यहाँ पर आपको इस बाइक के अंदर डिज़ाइन मिल जाते हैं। 13 लीटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको होंडा की बैजिंग मिल जाती है। सिल्वर कलर के अंदर यहाँ पर आपको फ्यूल फिलर कैप दे रखी है। E20 सपोर्ट यानी न्यू वाला वेरियंट अपना रहने वाला है, लुकिंग काफ़ी गुड रहने वाली है। काफ़ी समय से बाइक आ रही है भाई मार्केट में, तो यहाँ पर जो इस बाइक की पावर परफॉर्मेंस वगैरह वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल आपको मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग दे रखी है पीछे की साइड में, और सबसे खास बात जो मुझे इस बाइक की लगी वो है इसकी सीट भाई, काफ़ी ज़्यादा लंबी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर आपको सीट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छे आपको राइड वगैरह निकाल कर देती है। रियर में भी आपको प्रॉपर हैलोजन के अंदर ही सेटअप दे रखा है। होंडा का यहाँ पर आपको मोनोग्राम मिल जाता है स्टिकर के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ हैलोजन के अंदर ही पूरा सेटअप मिल जाता है, चाहे इंडिकेटर हो चाहे अपनी रियर की लाइट हो। अगर बात करते हैं इस बाइक के रियर टायर की, तो यहाँ पर भी आपको 18 इंचेस का ही टायर दे रखा है, जो कि 90x100 प्रोफाइल का अपना रहने वाला है। एक बार आपको लोगों को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 100x90 प्रोफाइल का अपना रियर टायर रहने वाला है, जो कि 18 इंचेस के ट्यूबलेस रिम्स के साथ में अपना आता है। यहाँ पर आपको फुली कवर्ड चेन मिलती है, और इसका जो रियर का सस्पेंशन है भाई वो मोनोशोक आपको मिलने वाला है, तो आपकी राइड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। 162 cc का यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर FI इंजन मिलता है, जो कि सेल्फ और किक दोनों के साथ में आता है। 14 PS की पावर, 13 PS की पावर एंड 14 Nm का ये आपको टॉर्क निकाल देता है। तो पावर फिगर थोड़े से कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज मिलते हैं। यहाँ पर आपको ईजिली 50 to 55 तक का ये बाइक माइलेज भी निकाल देती है, 50 तो आराम से आपको निकाल देगी ऑन सिटी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। पुष्पा होंडा जयपुर के अंदर ये बाइक अवेलेबल है, आ सकते हैं एंड अपनी बाइक बुक करा सकते हैं।